सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेदांत कंप्यूटर वर्सेस एमडी कंप्यूटर, क्योंकि आज के टाइम में अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है दोनों में जीपीयू के रिलेटेड। और भी कुछ ऑफर चल रहा है, पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे स्पेशली ग्राफिक कार्ड के ऊपर, क्योंकि दोनों वेबसाइट में ऑफर चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एमडी कंप्यूटर में MSI का 25,500 रुपीज में अभी मिल रहा है, और वेदांत कंप्यूटर में 26,500 में RTX का 2060 गेमिंग मिल रहा है। तो दोनों का ग्राफिक कार्ड्स को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने दोनों परचेज किया और पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो लेट्स बीइंग स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि मैंने दोनों परचेज किया है, और स्टार्टिंग में मैंने पर्सनली अपने लिए मैंने परचेज किया था वेदांत कंप्यूटर में, अप्रोक्स एक महीना हो गया। तो उस वक्त मैंने परचेज किया था 26,000 में MSI का 1660 सुपर, जो कि उस समय का रेट था 26,000 में। और जैसे मैंने बताया था कि वो अगर वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, तो आपको प्राइस इसमें घटने का मिल सकता है। तो अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने इसको परचेज करने का बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी इस समय में हमको 25,000 रेंज में कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगा। तो मेरे सजेशन के हिसाब से मैंने बोला कि अभी ये ले सकते हैं, वेदांत कंप्यूटर में 2060 गेमिंग एडिशन है। तो नॉर्मल आपको 6GB दोनों वेरिएंट तो सेम है, पर ये 2060 RTX में आ जाता है और 26,500 में। तो इस हिसाब से दोनों के रेंज के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 25,500 है और RTX 2060 का 26,500 है, यानी 1,000 का डिफरेंस मिल रहा है 1660 सुपर और 2060 गेमिंग। और दोनों का फीचर्स का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि दोनों 6GB वेरिएंट है और DDR6 भी है, दोनों सेम है। पर यहाँ पर इंजन क्लॉक, अगर बूस्ट क्लॉक का बात करें, तो यहाँ पर 2060 का यहाँ पर 1680 मेगाहर्ट्ज़ का देता है, जो कि 1660 सुपर का 1815 यानी 1815 मेगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट करता है बूस्ट क्लॉक का। तो जो कि 1660 सुपर का एक बेनिफिट देखने मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल मेमोरी बस का आपको यहाँ 192 बिट का है, जो कि सब चीज सेम है। और यहाँ पर अगर बात करें पावर कंजप्शन, जो कि यहाँ पर इसका फीचर्स में नहीं दिखा रहा है 1660 सुपर में, तो यहाँ पर एप्रोक्स मैंने सर्च किया है कि 125 वाट का ये सपोर्ट करता है 1660 सुपर में, जो कि यहाँ पर 2060 में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि 160 वाट का सपोर्ट करता है, जो कि रिकमेंडेड पावर सप्लाई आपको 500 वाट का आपको रिकमेंडेड कर रहा है। और जो कि यहाँ पर आपको 1660 सुपर का बात करें, तो आपको 450 वाट का भी सपोर्ट कर जाएगा। अगर परचेज अगर करना चाहते हो 25,000 के रेंज में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जोटेक का 2060 ही ले लो, क्योंकि ये MRP प्राइस से टू क्लोज आपको आ चुका है, और ऑब्वियसली ये एक सीरीज इससे ज्यादा है 1660 से, तो ये लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि 1660 सुपर अब ये पुराना वर्जन हो चुका है और ओल्ड मॉडल लेने से क्या फायदा। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इसका FPS और दोनों के FPS में ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, ओवरऑल दोनों के FPS सेम ही आ रहा है। पर इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये अगर दोनों को प्राइस वाइज अगर देखा जाए, तो अभी MRP रेट से अभी बहुत पीछे हैं। RTX को ये हम मान सकते हैं कि इसका रेट ओवरऑल MRP से ज्यादा दूर नहीं है, पर अभी भी 1660 सुपर का MRP इसका रेट है 21,500, जो कि अभी भी 4,000 ऊपर ही चल रहा है। तो ओवरऑल ये अभी ओवर प्राइस ही चल रहा है, और ये इसका 2060 का प्राइस अगर 26,500 है, जो कि इसका MRP प्राइस 24,500 है, तो ये भी अभी 2,000 ये भी अबव ही चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है, और आने का समय में जो 4000 सीरीज आने वाला है, तो उसके कारण से सारे ग्राफिक कार्ड का रेट बहुत घटने वाला है। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, बिटकॉइन का रेट के कारण से माइनिंग सब बंद हो चुका है, सारे माइनर लोग ग्राफिक कार्ड लेना बंद कर दिए, तो उसके कारण से भी ग्राफिक कार्ड का डिमांड लो हो गया है। तो गेमर लोग के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट हो जा रहा है, तो हम लोग के लिए जो गेमिंग खेलते हैं, तो वो लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑफर अभी आएगा, और इससे भी बेस्ट प्राइस में आपको ग्राफिक कार्ड लेने मिल जाएगा। तो बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।